शुरू से तक मैं अपने गांव में रहा और अभी भी हम गांव में आना चाह रहे, क्योंकि वहां तो हम रिटायरमेंट आदमी हैं, ब्रदर भी रिटायर, हम तीनों भाई रिटायरमेंट हो चुके हैं। अभी अपने खेतीबाड़ी करेंगे, थोड़ा अपना रोजगार करेंगे, इसी चक्कर हम वापस आए हैं। और अभी हमने इसी चक्कर में मकान बनाया है, तीनों फैमिली हमारी ज्वाइंट है, तो हम चाहते हैं कि अपना गाँव का विकास हो। सबसे ज़्यादा ये दो भाई, हम डॉल्स म्यूजियम है उसको कल्चरल बोलते हैं जो भी है, तो प्राइवेट जॉब थी हम लोगों की। अभी हम तीनों भाई रिटायरमेंट हो चुके हैं, बच्चे सेटल हैं दिल्ली में, वो भी प्राइवेट नौकरी में हैं। मगर हम ये सोचते हैं कि थोड़ा विकास हो, विकास की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि रोड नहीं थी, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, तो बहुत सारी समस्या जो है ना, इसकी वजह से हम अपने बच्चों के साथ रहने लगे। अभी हमने एक सोचा कि भाई अपने घर देखेंगे, मकान बनाया है, थोड़ा अपने साग सब्जी करेंगे। मगर ये जो जानवरों के थोड़ा बचाव होना चाहिए ना, उसके लिए थोड़ा हमें चकबंदी हो। तो हमने प्रधान जी को भी चीज़ बताई है, अब प्रधान जी बहुत सहयोग करे हमारे। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी तो हमारा प्लान यही है कि गांव में रहने का है, ताकि हमारे बच्चे भी गांव की रास्ता देखें, हमारी यही सोच है। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें चाहते हैं हमारा गांव बसे, ऐसे वीरान ना रहे हमारा गांव, ताकि जैसे और गांव की तरह यहाँ मतलब आबादी हो, गांव बसे, सारे लोग गांव में आएँ, ताकि हम गांव में रह के अपने गांव में खेतीबाड़ी करें और सब कुछ गांव में सब सारी सुविधा मिले हमें, ताकि हमारे बच्चे भी गांव का रुख करें, थोड़ा उनको भी गांव के बारे में पता लगे कि भाई गांव कैसे होते हैं। और गांव ऐसे रह गए तो भी बच्चों को कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई गाँव कैसा है, तो यही हम चाहते हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेरी ग्राम सभा के अंतर्गत जो ये दूरस्थ क्षेत्र में जंगल के बीच में गांव है चौंडली गांव, तो ये जो है विगत वर्ष कोरोना काल में इन्होंने यहाँ पे अपना जो बंजर पड़ा हुआ मकान जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको मरम्मत की, और इस वर्ष ये परिवार के साथ बच्चों के साथ यहाँ पर आए। तीन भाई यहाँ पर अपने परिवार के साथ क्या बोलते हैं बच्चों भगों और नाती नतनों के साथ आए, और फिर मैं इन लोगों से मिला यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है बहुत से लोग यहाँ पे अभी आने वाले हैं। मैंने जो भी समस्याएं थी जिलाधिकारी महोदय को मैंने अवगत करा दिया है कि गया है। इसी क्रम में मैं जिलाधिकारी महोदय और DPRO साहब का मैं बहुत ही और समस्त मतलब जो है यहाँ पे आए हुए अधिकारी गण, पत्रकार बंधु सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ पे DM साहब ने संज्ञान लिया और यहाँ पे हमारी समस्या सुनी, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये मेरे ग्राम सभा के दूर क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी और यहाँ पे फिर से जो है कि पुनः ये जो बंजर घर पड़े हैं ये आबाद होंगे। चौंडली गांव में हम लोग आए हैं आज, ये ग्राम सभा था तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है, परिवार तीनों भाई हैं, वो तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गाँव में ही बसने की मंशा है, उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियाँ हम लोग गांव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है प्रमुखता से, ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें कि स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी जो युवक बेरोजगार है उनको दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कार्रवाई करेंगे। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान जी, उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पर घेरबाड़ की ज़रूरत महसूस हो रहा है, सिंचाई गुल का ज़रूरत महसूस हो रहा है। साथ साथ में जो युवक बेरोजगार है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परिवार से बात किया है, सभी ग्राम पंचायत के जो अन्य निवासी हैं जो आसपास के गांव के भी हैं उनसे भी आज बात किया है। सड़क मार्ग को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जनता के द्वारा बताया गया है, तो उसको भी हम शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं।